छूट क्या मिल जावे, कर्फ्यू खोल दे, परेशान हो गए रोजो में, थोड़ा परेशानियाँ हो रही। और जो कह रहा मोदी सामान दे रहा है, क्या दे रहा है, मैं आलू नमक कच्चे चावल, जिन्हें रमजान में कोई खत्ता भी नहीं था, सामान दे रहा है मैं खाने के कबाड़। देखो पांचों उंगलियां एक साथ है नहीं, अगर मान लो एक ने किसी ने गलत काम करा तो सब नहीं आना चाहिए उसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जी, प्रदेश सरकार के तो मालिक वही है, मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के, तो हम योगी जी के बहुत आभारी हैं। पहले लॉकडाउन लगा उसमें थोड़ा सबर करके बैठे, दो साल लगा उसमें सबर कर लिया, तीसरे में अब तो ऐसा है, चाहे मुस्लिम जनता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई सी भी जाति का हो, उन सबको उनका पूरा पूरा पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। लॉकडाउन 1 और 2 की सख्ती के बाद अब तीसरा लॉकडाउन आज से जारी हो चुका है, रियायतों के साथ। इन रियायतों को देखकर रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, क्या सोचते हैं लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रियायतों के बाद, उनके फैसले के बाद क्या उनकी राय है, आइए इसी पर सीधी बातचीत करेंगे जनता से, गलियों गलियों का हाल आपको दिखाएंगे, लोगों की राय आपको दिखाएंगे। इस तरह से देखते हैं सर, अब रियायतें जो है बढ़ चुकी हैं, आपको कितनी खुशी है कि कम से कम रमजान के महीने में आपको थोड़ा सा और मौका मिल गया कि आप अपनी खरीदारी कर पाए, थोड़ा सा बाहर निकल पाए, थोड़ी सी छूट दे दी सरकार ने, क्या कहेंगे? यो काम सरकार ने बहुत अच्छा करा जी, ठीक है जी, इसमें हर आदमी हर गरीब अपना थोड़ा बहुत जो इंतजाम करना हो कर सके जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे गई हो हम सरकार के साथ है, कोई हम सरकार से तो बाहर है नहीं, ठीक है जी, अच्छा जी, किसी चीज़ का कोई हमें मतलब परेशानी नहीं है, अच्छी तरह गुजर गया। हमने भी अपना इसका कर्फ्यू का हमने पालन करा, अपने घर में रहे, हम तो सिर्फ राशन लेने जा रहे, अपना डिपो के जो राशन मिल रहा वो लेने जा रहे, इसलिए हम निकले, नहीं तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि घरों में ही रहकर अपनी जी, हम घर में ही थे, घर में थे, ज्यादा से ज्यादा करें, प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे उसके? नहीं जी, हम प्रधानमंत्री जी के साथ है, बिल्कुल सही कह रहे, हम उनसे बाहर नहीं है जी। ठीक है सर, उन लोगों को क्या कहेंगे जो उन्होंने पुलिस पे हमला करते रहे? नहीं वो गलत, वो गलत है जी, वो गलत है। अब सब देखो पांचों उंगलियां एक साथ है नहीं, अगर मान लो एक ने किसी ने गलत काम करा तो सब नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक है नहीं जी। अगर घर के अंदर 5 आदमी हैं तो 5 में से 5 का एक जैसा नहीं है कोई भी, तो यही बात है जी। अगर कोई एक शरारती है, किसी ने कर दिया, तो सबको इल्जाम नहीं देना चाहिए, ना सब ऐसे हैं, ठीक है। उनको आप क्या जवाब दोगे? नहीं वो गलत है, जो गलत करा वो गलत है, इसमें कोई नहीं, जो गलत करा उन्होंने गलत है, हम गलत ही कहेंगे, ठीक है। हम तो अपने पड़ोसी को बच्चों को भी समझा के चलें, भाई अपना घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, ना हमें कोई परेशानी हुई, जो बात है। हमें बड़ी खुशी हुई है कि ये जो पहले 6 से 9 का टाइम था, इसमें भी पुलिस जो है भगाती थी, कुछ सामान नहीं ले सकते थे। आज हमें बड़ी खुशी हुई कि सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का टाइम दिया है, इसमें हम अपना सामान ला सकते हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, हम जो है प्रदेश सरकार के बहुत बड़े आभारी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जी, प्रदेश सरकार के तो मालिक वही है, मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के, तो हम योगी जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें इतना मौका दिया है कि हम अपना सामान ला सकते हैं, खाने का, पीने का, रहने का, खाने का, कुछ भी कर सकते हैं, कि ये 4-5 घंटे में मिले हैं, इससे हम बहुत खुश हैं। अभी उन्होंने कहा था कि सब जो है रमजान का महीना नमाज घर पर ही पढ़े जी, जी अगर चाहे वो हिंदू भाई है वो भी अपना जो भी जी 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 नहीं नहीं हम नमाज अपनी घर पर पढ़ रहे हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कि ये जो बीमारी का मामला चल रहा है भाई, ये दफा हो जाए यहाँ से, बस इसमें आप पूरी तरह से साथ हैं? जी हम पूरी तरह से साथ हैं और पूरी तरह से साथ रहेंगे इंशाल्लाह, हम अपने घर पे ही नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बस ये है कि जो ये दिक्कत थी हमें सामान सामून लाने की, पुलिस परेशान करती थी, वो आज ये मामला है नहीं, हम अपना सामान भी ला सकते हैं, खाने का, पीने का, दवाई का, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये ऐसा मजदूर आदमी है, सब मजदूर आदमी है, मजदूर ऐसा जो टाइम मिल जाए ना, खुल जाता तो और बेहतर था, बढ़िया, मजदूर ज़्यादा परेशान है यहाँ पर। ऐसा मजदूर आदमी साहब है, चल रहा भाई, पहले लॉकडाउन लगा उसमें थोड़ा सबर करके बैठे, दो साल लगा उसमें सबर कर लिया, तीसरे में अब तो ऐसा मजदूर भी सड़क पर आ लगा आगे आगे। मुसलमानों की तो दुर्गति खराब हो गई, देखो रोडों पे निकलना पड़ रहा है, रोजे से फिर रहे हैं, मुस्लिम छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के अपना घर सारा सारा सामान मतलब राशन पानी सब मांग मांग इकट्ठा करना पड़ रहा है। मोदी जी से यही गुजारिश है
कि घर घर जाके सामान भेजें, जिससे कि कोई बाहर ना रोड पे ना निकले, अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के कोई बेतंगी ना हो, मतलब ना पैसे हैं ना बच्चे छोटे छोटे रोते हैं दूध के लिए, बता कहीं कहीं फिरना पड़ रहा है, धक्के दे दे के लोग भाग दे दें बेचारे मुसलमान भाई जो बहन है, हिंदू लोग भी सहार लगा रहे हैं लेकिन अपनों को लगा रहे हैं, मुसलमान भाइयों से ही हमें मिल रहा है सब कुछ। लेकिन वो कह रहे हैं कि घर पर सामान पहुंच रहा है, ऐसा हो पा रहा है? जो बीच के हैं जो मतलब जिन्हें मिल रहा है वही खा रहे हैं, किसी के घर पे नहीं पहुंच रहा है सामान। मुसलमान भाई को, मुसलमान भाई ऐसे हो रहे हैं, हिंदू भाई ऐसे हो रहे हैं, जिसका जो मतलब जैसा इलाका है वो उसी तरह से ले रहे हैं, उसी तरह से खा रहे हैं। हमें यही अपील है कि मतलब घर में जा के दें मोदी जी, और जो भी उन पर बनता है भाई, जिसकी जिसकी जो अपनी वो है, अपना घरों घर में पहुंचाएं। पूरा सहयोग कर रहे हैं सरकार का कोरोना को लेकर? जी बिल्कुल, बस जो बाहर फंसे छूट क्या मिल जावे, कर्फ्यू खोल दे, परेशान हो गए रोज जुमा, थोड़ा परेशानियां हो रही। और जो कह रहा मोदी सामान दे रहा है, क्या दे रहा है? मैं आलू नमक कच्चे चावल, जिन्हें रमजान में कोई खत्ता भी नहीं था, सामान दे रहा है मैं खाने के कबाड़ मोदी बैठा। मतलब जो आप रमजान में लाते थे वो इस बार नहीं ला पा रहे? आपके तो हमने शहरी में ऐसा भी नहीं, जो एक दिन भी शाम को इफ्तारी करी हो या रात कोई खजला फेन या कुछ करा हो, अट्टा चुटकी के मारा तो फिर रहा है महलों में, दूसरे महलों में। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अब हम अपने घर जा रहे हैं, यहाँ अट्टा लेने आए तो मिला नहीं ना, सुबह के 6 बजे के निकले हुए रोज। कहा उन्होंने? बस बट गया, यूँ क्या बट गया, राशन लेने। हाँ बट गया। जावेद जी किस तरह से देखते हैं, जिस तरीके से थोड़ी रियायतें मिली हैं, अब इन रियायतों को आप कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री का ये कदम कैसा आपको लगा उत्तर प्रदेश में? मुख्यमंत्री जी का कदम तो बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं उनका इस चीज़ का कि उन्होंने हमें रिलीफ दिया है, और जनता को रिलीफ देने के बाद इससे काफ़ी रिलीफ भी मिलेगी। जैसे सुबह 6 से 9 बजे तक का उन्होंने टाइम दिया था, उस टाइम के बीच में इतना टाइम होता था कि पब्लिक जो है ना परेशान हो जाती थी, अब इससे है कि काफ़ी थोड़ा आराम मिलेगा लोगों को। और इसमें हमें ये देखना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल जो है सरकार हमें देना चाह रही है, उसके बारे में हमें अभी डिटेल्स में नहीं पता। फिलहाल तो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो सरकार हमें और क्या क्या फैसिलिटी इसमें छूट में दे सकती है, इसके बारे में हमें जानकारी बिल्कुल नहीं है। उसके लिए हम जानकारी जब तक होगी जब तक हम बता नहीं सकते। आप किस तरह से पालन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का रमज़ान के महीने में, खासकर अभी नमाज पढ़ने के लिए भी आपको घरों में ही रहना पड़ रहा है, कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी सब जो धार्मिक कार्यक्रम है वो पूरी तरह से घरों में ही कीजिए। ये तो जो आज की डेट में है आपका कोविड ये अफवाह चल रहा है, प्राकृतिक अफवाह जो चल रहा है, इसके अंदर तो देश में जो भी इस टाइम है, पूरे वर्ल्ड में, पूरी इंडिया के अंदर हर जगह ये स्थिति है कि बहुत गंभीर स्थिति है। उसको देखते हुए जो मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाए हैं, बहुत अहम कदम उठाए हैं, और हमारी यूपी के अंदर खासतौर से योगी सरकार जी की देखरेख में काफ़ी अच्छा निज़ाम चल रहा है, और इस वजह से केस भी कम हैं, और वो जहाँ पर ये कार्य हो रहा है हॉटस्पॉट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती से वो पालन कर रहे हैं, और यहाँ का प्रशासन और जो सफाई कर्मचारी और डॉक्टर वगैरह की व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। कुल मिला के सहारनपुर की स्थिति इस टाइम हमारे हिसाब से जिस तरह कंट्रोल की गई है, उसके लिए हार्दिक अभिनंदन सभी जितने सफाई कर्मचारी है, डॉक्टर्स है, और जितने भी हमारे यहाँ पर जिम्मेदार इस काम को कर रहे हैं पुलिस प्रशासन। अभी देखा गया कि कुछ लोग ऐसे भी निकल कर आए जिन्होंने पत्थर बरसा दिए, कहीं मेडिकल टीम पर हमला कर दिया, आप फूल भी बरस रहे हैं, आप इनके कैसे देखते हैं? उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस तरीके की हरकत करते जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो जो इस टाइम सेवा कर रहे हैं वो हमारे भगवान का रूप है, वो सेवा जो कर रहे हैं बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, और दूसरी बात जो उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और उनको जो है पहले वार्निंग दिए जाने चाहिए, उसके बाद अगर नहीं मानते तो उनके लिए सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये बहुत निंदा है कि वो इस तरह का उनके साथ व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार उनका बेकार है, उनका व्यवहार ये होना चाहिए कि उन लोगों का जिससे फूलमाला से स्वागत किया गया और वो हमारे लिए बहुत इस टाइम भगवान का रूप है, और उनका ये करना चाहिए कि उन लोगों को बहुत सम्मान देना चाहिए, और उनकी जब बातें हैं तो उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। जनता का ये है, सभी जनता को चाहिए, चाहे मुस्लिम जनता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई सी भी जाति का हो, उन सबको उनका पूरा पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। रियायतें मिली तो चेहरे पर खुशी आई, और खुशी बता रही है कि अच्छा है। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और हेडलाइंस इंडिया आपका अपना चैनल है, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।